आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। लक्सर तहसील मुख्यालय पर हर महीने के पहले मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है, लेकिन फरियादियों की समस्या सुनने एसडीएम और तहसीलदार ही मौके पर नहीं पहुंचे। देखिए पूरी रिपोर्ट। लक्सर तहसील मुख्यालय पर हर महीने के पहले मंगलवार को आयोजित होने वाले तहसील दिवस कार्यक्रम अब केवल औपचारिक कार्यक्रम बनते जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में ना तो अधिकारियों की दिलचस्पी है और ना ही फरियादियों की। आज के तहसील दिवस में भी कुछ ऐसा ही नजर आया। डीएम को तो छोड़िए, एसडीएम या फिर तहसीलदार भी तहसील दिवस में भाग लेने नहीं पहुंचे। मात्र नायाब तहसीलदार ने मुख्य अतिथि की भूमिका निभाते नजर आए। यही हाल अन्य विभागों के अधिकारियों का रहा। ऐसे में फरियादियों की संख्या भी दर्जन भर से कम रही। हालांकि कर्मचारियों का दावा था कि तहसील दिवस में जो भी समस्या आई उसमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। सभी विभाग उपस्थित है। जिलाधिकारी महोदय ने तहसील दिवस में उपस्थित होना था, परंतु माननीय आयोग ने उनकी तारीख होने की वजह से उपस्थित न हुए और तहसीलदार साहब भी जो है सचिवालय गए हैं। उनके स्थान पर मैं उनका प्रतिनिधि के तौर पर तहसील दिवस को देख रहा हूँ। अभी तक हमारे सभी विभाग यहाँ उपस्थित हैं और हमारे पास 5-6 एप्लीकेशन आई हैं जिन पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। नायब तहसीलदार रमेश चंद्र नौटियाल का कहना है कि एसडीएम साहब आयोग में गए हैं, तहसीलदार सचिवालय गए हुए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अभी तक जो 5-6 शिकायतें आई हैं उनका निस्तारण करने के लिए संबंधित विभागों को भेज दिया गया है। लक्सर से रामगोपाल, पब्लिक न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।